गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट जो अपन लेक्चर नंबर 36 पढ़ रहे थे तो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था इमर्जिंग स्टैचुरी एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी वो मैंडेटरी बेनिफिट्स या वो कॉम्पनसेशन कॉम्पोनेंट जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देने ही देने हैं, जैसे अर्न लीव मैंने आपको बताया था उसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था, देन मैंने आपको बताया था कि एक ESIC के टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1948 के अंदर आया था, तो उसके अंदर क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो बच्चों अपन बात कर रहे हैं वो इसी टॉपिक का आगे का है। टॉपिक अपना वही है इमर्जिंग स्टैचुरी एस्पेक्ट फॉर कॉम्पनसेशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि और कौन कौन से मैंडेटरी थिंग्स कॉम्पनसेशन के अंदर हमें ऐड करने होते हैं। पहला आता है सबसे पहले इसके बाद TDB, यानी कि टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट फ्रॉम डे वन ऑफ एंटरिंग द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आप ESIC के अंतर्गत में आ जाते हैं, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कर्मचारी जब ESIC के अंडर में आ जाता है तो उस दिन के फ्रॉम डे वन से लेके वो ESI के थ्रू जो भी पेमेंट करना होता है एम्प्लॉयज़ को किसी भी कंडीशन में, वो वाले नॉर्म्स के अंतर्गत वो उसकी चीज़ें लागू या इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो टेम्प्ररी डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त कुछ इंजरी हो जाती है और यदि वो टेम्प्ररी डिसेबलमेंट भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उस एम्प्लॉय को 90% ऑफ वेजेस कंटिन्यू बेसिस पे मिलती रहेंगी। ये आपके इस मैंडेटरी कॉम्पनसेशन के अंदर चीज़ें आती हैं। फिर आता है परमानेंट PDP। क्या होता है परमानेंट डिसेबल, यानी कि अब वो परमानेंट डिसेबल हो गया है, काम नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में भी उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लाना होगा और उस सर्टिफिकेट के थ्रू उसको 90% ऑफ वेजेस तक का जो पेमेंट है मंथली बेसिस पर उसको मिलता रहेगा। फिर आता है आपका डिपेंडेंट बेनिफिट। देखिए डिपेंडेंट बेनिफिट क्या कहता है कि अंडर दिस पॉइंट तो जो इंश्योर्ड पर्सन था, अगर मान लीजिए उस पर्सन की किसी कारण की वजह से डेथ हो जाती है तो उसका जो डिपेंडेंट पर्सन है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे फादर हो, चाहे बच्चे हो, उनको भी 90% तक का कैश मंथली बेसिस पे उसकी वेजेस का मिलने का प्रावधान रखा गया है और यही आपको अपने इस मैंडेटरी कॉम्पनसेशन के अंदर इंक्लूड करना होगा। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट। ये महिलाओं के लिए है और अंडर दिस ESIC एक्ट 1948 100% ऑफ डेली वेजेस, हर दिन का 100%, यानी कोई भी डिडक्शन नहीं होगा 6 महीने तक, यानी 26 वीक है ना, तो 6 महीने तक उस लेडी को पर डे के हिसाब से जो उसका वेजेस बनता है उसका 100% ही उसको 6 महीने तक ESIC के अंदर पेमेंट किया जाएगा। और यदि इन केस ऑफ मिसकैरेज हो जाता है तो 12 वीक यानी 3 महीने तक उसको उसकी वेजेस का, डेली वेजेस का 100% विदाउट एनी डिडक्शन उसके कंपनसेशन पैकेज उसको ESIC देगा। दूसरा उसके आता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। देखिए ESIC क्या है, एम्प्लॉयज को तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयड उनको भी दे रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 साल के बाद जो एम्प्लॉय था, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, 2 साल तक तो उसने काम किया, 2 साल के बाद अब उसने क्या किया है कि मैं नौकरी करना नहीं चाहता या उसने वॉलंटरी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, बट उसके बाद भी जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती तो उस केस में भी ESIC उसको 24 मंथ्स तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगा। ऐसे आता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है काम के दौरान,
तो ESIC के अंतर्गत उसकी फैमिली मेंबर को उसके फ्यूनरल पर्पस से 10,000 रुपीज़ तक देनी उसको पड़ेंगे। देन आता है आपका PF। PF क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड जो है ये एक्ट 1952 में आया था, जिसे हम लोग EPF भी कहते हैं। EPF यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। पूरा जो नाम इसका आता था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ये जो एक्ट है ये सोशल सिक्योरिटी, पेंशन फंड्स और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, इन तीन चीज़ों को लेके बनाया गया। तो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट है ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए और एक एज के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं या आपकी बॉडी काम करने के लायक नहीं रहती, उस कंडीशन में आपने जितना भी ये पैसा था PF का, ये प्रोविडेंट फंड आपको देता है ताकि आप अपना बाकी जीवन सेफ्टी के साथ या प्रिकॉशन के साथ या अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हुए आप गुजार सकें। तो इस EPF स्कीम के अंतर्गत तीन स्कीम्स आती हैं। सबसे पहले तो आती है आपकी प्रोविडेंट फंड, दूसरी आती है आपकी पेंशन स्कीम और तीसरी आती है आपकी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम, जिसे हम लोग कहते हैं EDLI। तो ये जो PF एक्ट है ना, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसके ये इम्प्लीमेंट करती हैं। यहाँ तक कि जो अगर हम स्टेट की बात करें तो चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, स्टेट बोर्ड हो या ऑफिसर्स हो, तो अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6A और अंडर सेक्शन 6C जो PF होगा उसके कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके काम करेंगे। यानी एक एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हो रहा है तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सेम रेशियो है, जितना परसेंट आपका एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी दे रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या फिर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की बात करी, तो ये दोनों की पूरी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के होती है। इस कंडीशन में एम्प्लॉय अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता। और अर्निंग जो पेंशन जो है आपका, ये कई बार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ अभी हमने एक बात बहुत ध्यान से पढ़ी, प्रोविडेंट फंड यानी EPF जो था वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में आया था। इसके अंतर्गत जो बात बताई गई कि यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्कीम लेता है तो इसके तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके कंट्रीब्यूशन करेंगे और इसका जो अमाउंट होगा वो आफ्टर द रिटायरमेंट, जब पर्सन नॉट एलिजिबल होता है वर्क करने के लिए, तब इसको सारा पैसा मिल जाता है। दूसरी स्कीम है EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय लिंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, एम्प्लॉयर ही टोटल कंट्रीब्यूशन करता है। फिर तीसरा जो आता है अपना, वो आता है ग्रेच्युटी। देखिए ग्रेच्युटी क्या है, ग्रेच्युटी भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है। ग्रेच्युटी जो होती है वो लिंक होती है आपकी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करी, और उसके बाद जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तब ये आपको ग्रेच्युटी दी जाती है। बट ग्रेच्युटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 5 ईयर्स तक काम कर चुके हों। तो 5 साल काम करने के बाद ही ग्रेच्युटी जो है स्टार्ट होती है। तो अंडर द सेक्शन 72 ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, अंडर सेक्शन 4 ग्रेच्युटी का मतलब है कि हर वो एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है उसको आपको ग्रेच्युटी देनी है, और जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो उतने ईयर्स का जो अमाउंट उसका इकट्ठा होता है वो आपको उसको पेमेंट करना है। तो ये जो पेमेंट होता है ये 3 बेसिस पे है, ऑन हिज सुपर एन्यूएशन, ऑन हिज रिटायरमेंट, ऑन हिज डेथ।
सुपर एन्यूएशन का मतलब है प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट का मतलब है जब वो रिटायर हो जाता है, जॉब छोड़ देता है, और या फिर वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में उसका सारा पैसा जो है वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम 5 ईयर्स की वर्किंग होनी ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी होती है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है, और यदि इन केस मान लीजिए उस एम्प्लॉय ने कोई नॉमिनी नहीं बनाया था, उस केस में उसके जो डिपेंडेंट है बच्चे जो हैं उनको वो पैसा मिलता है। यदि मान लीजिए बच्चे सिर्फ माइनर हैं तो इस केस में क्या होगा, कोई एक गार्जियन उस पैसे का उस वक्त टेक केयर बनेगा, और एक जब बच्चा माइनर से मेजर हो जाएगा यानी मैच्योर हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तब वो सारा पैसा उसको दे दिया जाएगा। तो यही हमारा ग्रेच्युटी के अंदर चीज़ों को बताया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेच्युटी निकाली जैसे जाती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दो केस समझा रहा हूँ। पहले केस में क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1952 के अंतर्गत आता है, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ग्रेच्युटी कैसे निकाली जाएगी, जितने भी साल उसने काम किया, सॉरी दोबारा बताता हूँ कि पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में हम वो देख रहे हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंतर्गत आता है, तो क्या होगा, उसने जो लास्ट ड्रॉन सैलरी ली इंटू 15/36 इंटू जितने साल उसने नौकरी करी। ऐसे ही हम देखते हैं केस टू, इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉई है ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो भी हम वो हम चाहे तो उसको ग्रेच्युटी दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो भी उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ की थी इंटू हाफ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसने जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स काम किए हैं उसको अगर हम कहते हैं तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आता है, मान लीजिए सर उसने मंथ में काम किया, जैसे मान लीजिए उसने 20 साल 10 महीने 5 दिन काम किया या 25 दिन काम किया, तो उस कंडीशन में हमें राउंड फिगर में ही ईयर्स को लेना ज़रूरी है। तो ग्रेच्युटी निकालने के लिए आपकी जो ईयर है नंबर ऑफ ईयर्स वो हमेशा राउंड फिगर में होने चाहिए। तो यही था बच्चों आज का आपका टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट बताए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।